माई सेल्फ संदीप राजभर, और आज के हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पूरा का पूरा चैप्टर 5, पूरा का पूरा लोडर को 5 मिनट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर रिवीजन करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये वीडियो आप रास्ते में जाते हुए, एग्जाम में बैठते समय, मतलब बैठने से जस्ट पहले, या फिर घर में आते समय जब एग्जाम दूसरा एग्जाम दे के आते हो ना, अगर उस टाइम भी आप ये वीडियो देख सकते हो, और आपका पूरा का पूरा चैप्टर एक बार में दिमाग में लोडिंग हो जाएगा कि हाँ हाँ ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ था, ये चीज़ हमको पढ़ना है, ये चीज़ हमको कन्फ्यूजन है। आप अकेले इस वीडियो को लेकर बैठे हो ना, प्रॉब्लम कहाँ आएगी मैं बता रहा हूँ। देखो प्रॉब्लम आएगी, आप सबसे पहला एक पॉइंट पढ़ोगे, दूसरा पॉइंट पढ़ोगे, फिर देखो कि इतना पेज 30 पेज पढ़ना है, अरे बाप रे इतना पेज हमको याद नहीं था, कौन सा याद है कौन सा नहीं, मोटिवेशन डाउन होगा, और फिर ये पूरा पूरा चैप्टर बर्बाद। और ये चैप्टर बर्बाद होने का मतलब 5 से 10 मार्क्स का आपका पूरा गारंटी से बर्बाद होगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको किसी भी कीमत पर आप नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है, किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते हो, जो भी कर लो एकदम जल के मर के, लेकिन ये चैप्टर नहीं छोड़ना है आपको। ओके सबसे पहले क्या है चैप्टर 5, इसके अंदर हम लोग LODR का पूरा फास्ट करके देखते हैं। चलो आ जाओ फटाफट करते हैं, ये वाला पोर्शन आपको नहीं पढ़ना था, हम लोग फास्ट रहेंगे, 5 मिनट में हमको पूरा बताना है। की डेफिनेशन आई थिंक आपको पता होना चाहिए, डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी क्या है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी क्या है। नहीं पता है तो इससे जस्ट पहले एक 35 मिनट का वीडियो बना होगा, उस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर को मैंने एक बार और रिविजन करवाया, लेकिन उसमें बहुत डिटेल में रिविजन करवाया। वो रिविजन वीडियो देखोगे तो आपको डिटेल वाला पोर्शन जो है ना वो आपके दिमाग में एक एक वर्ड पिंच करता जाएगा। ये रिविजन था कि हाँ हाँ मेरे को सारा कुछ याद है, इस चैप्टर को रिविजन करने का जरूरत है कि नहीं है। जो जो पोर्शन याद नहीं रहेगा ना वो आपको दिमाग में आ जाएगा कि नहीं ये वाला याद नहीं है, एक बार बुक खोल के सिर्फ उस पोर्शन को पढ़ लेना है। एग्जाम से एक दिन पहले आप पूरा का पूरा लोडर को अगर पढ़ने बैठ गए तो टाइम बर्बाद भी करेगा और आपका पूरा कंप्लीट भी नहीं होगा, आपका मोटिवेशन डाउन कर जाएगा। तो आप मोटिवेशन नहीं खराब करना है, मोटिवेशन आपका डील करता है कि आपका एग्जाम कैसा जाएगा। अगर मोटिवेशन खराब हुआ तो एग्जाम खराब जाएगा, मोटिवेशन अच्छा हुआ तो एग्जाम अच्छा जाएगा, ये बात की गारंटी है, ठीक है। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया आपके दिमाग में बस आना चाहिए कि हाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के 4-5 क्राइटेरिया आ रहे थे, वो प्रमोटर नहीं होता है, प्रिकॉशनरी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता है, वो रिलेटेड नहीं होना चाहिए, वो कंपनी के साथ बिजनेस नहीं कर रहा हो, है ना, कुछ 21 साल से छोटा नहीं हो, प्रमोटर बनने के लायक ना हो, ऐसा कुछ पॉइंट आ रहा है दिमाग में, ठीक है, बस आप एलिजिबल है, आपका दिमाग सही चल रहा है। यहाँ पे आ रहा है एप्लीकेबिलिटी के बारे में, किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल था, सिर्फ और सिर्फ SME का याद कीजिए, SME का स्पेसिफाइड सिक्योरिटी था, बाकी तो जितनी सिक्योरिटी आपने पढ़ी सारी की सारी सिक्योरिटी यहाँ पे चिपका देनी है। ओके ऑब्लिगेशन, कॉमन ऑब्लिगेशन, अरे लिस्टेड होते ही आपको क्या क्या करना है भाई, CS को अपॉइंट कर लो ना एज अ कंप्लायंस ऑफिसर, ट्रांसफर एजेंट बना लो, इंटरमीडिएटरी का साथ उनका मतलब सब कुछ हेल्प करो, डॉक्यूमेंट प्रिजर्व करना तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, डॉक्यूमेंट प्रिजर्व करना कैसे बोल सकते हैं आप, इन्फॉर्मेशन बिना फाइल के काम चलेगा, नहीं चलेगा ना। ग्रेवरेंसेस रिडर्सल मशीन, अरे भाई ग्रेवरेंसेस लोगों के प्रॉब्लम को ही नहीं सुनेंगे आप लिस्टेड होने के बाद, कॉमन ऑब्लिगेशन से ये तो आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर आ रहा है मत पढ़ो आगे बढ़ जाओ। कंप्लायंस, वन टाइम कंप्लायंस, अब कंप्लायंस वन टाइम कंप्लायंस के अंदर क्या होगा, कंप्लायंस होगा तो कंप्लायंस ऑफिसर को लेके आएंगे, एक शेयर ट्रांसफर एजेंट को पकड़ के लेके आ जाएंगे, है ना, और लास्ट वाला क्या, हम डॉक्यूमेंट प्रिजर्वेशन का एक ये बना लेंगे, खत्म, पॉलिसी बना लेंगे, वन टाइम कंप्लायंस क्लियर। क्वार्टरली कंप्लायंस, हर क्वार्टर टू एंड क्या क्या कंप्लायंस करना होगा, अब एक बार दिमाग में जल्दी सोचो फास्ट। क्वार्टरली कंप्लायंस, इन्वेस्टर्स की कंप्लायंस को सुनेंगे, इन्वेस्टर ग्रेवरेंसेस, क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट देंगे। ओके शेयर होल्डिंग पैटर्न याद आ रहा है कुछ दिमाग में, डेविएशन वेरिएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, फिनेंशियल रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके दिमाग में अगर आ रहा है तो बस आगे बढ़ो, फिर ये इस पोर्शन को दोबारा एक एक वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आगे बढ़ जाओ। हाफ ईयरली कंप्लायंस, हाफ ईयरली मतलब साल के बीच में एक बार एक ही बार कंप्लायंस करना होगा, एक बार अभी एक बार लास्ट में, राइट, क्या आप कंप्लायंस सर्टिफिकेट ले रहे हो ना, कंप्लायंस सर्टिफिकेट याद रहा है, रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर करना पड़ता है, ऐसे तो जब भी आप बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ दे देते हो, एनुअल रिटर्न मतलब सॉरी जो आपका रिटर्न चला जाता है उसके बाद आप बताते हो कि देखो भाई रिलेटेड पार्टी के साथ हमने ये ट्रांजेक्शन किए, ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन किए हैं, सब कुछ आप डिस्क्लोज यहाँ पे करते हो, सारा अप्रूवल के साथ किए हैं। ओके चलो एंड ईयरली कंप्लायंस, ईयरली कंप्लायंस के अंदर क्या था, ईयरली साल में एक बार कंप्लायंस करता है भाई, लिस्टिंग फी दोगे, फिनेंशियल रिजल्ट दोगे, एनुअल रिटर्न बताओगी दोगे ना, ये सब कुछ स्टॉक एक्सचेंज को, बस यही थी 3 पॉइंट है ईयरली कंप्लायंस के अंदर, सिर्फ 3 पॉइंट। पहला क्या था, लिस्टिंग फी दिए, एनुअल रिटर्न, फिनेंशियल रिटर्न, फिनेंशियल रिपोर्ट सॉरी एनुअल रिपोर्ट, फिनेंशियल रिजल्ट, ठीक है, यही 3 पॉइंट है आपका। नेक्स्ट इवेंट वाइज कंप्लायंस, अब इवेंट वाइज कंप्लायंस में सारे पॉइंट नहीं याद होंगे लेकिन 5-7 पॉइंट आपको याद हो जाएंगे, लाइक शेयर ट्रांसफर एजेंट, इन प्रिंसिपल अप्रूवल, इंटीमेशन से तो आपको हर बहुत ज़्यादा मतलब इंस्टीट्यूट को बहुत ज़्यादा प्यार है, वो आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, 5 दिन वाले कंप्लायंस थे, 2 दिन वाले कंप्लायंस थे, 11 दिन वाले कंप्लायंस थे। अब अगर ये बात भूल जा रहे हो ना तो ये नहीं कि पूरा स्टार्टिंग वाला मेन वीडियो देखना स्टार्ट करें, इससे पहले 35 मिनट का वीडियो बना हुआ है वो वाला वीडियो देख लेना, उसमें आपको सारा कवर हो जाएगा आपको क्या क्या चीज़ थे, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में आप बताओगे ही, है ना, स्कीम ऑफ एग्रीमेंट, इशू ऑफ सर्टिफिकेट, ओके सिर्फ हम हाईलाइट करते हुए चलेंगे, एकदम 5 मिनट में हमको ये पूरा का पूरा पोर्शन खत्म करना है। बुक क्लोजर कैसे छोड़ सकते हो, 3 दिन पहले और 7 दिन पहले, राइट इशू है तो 3 दिन और अदर देन राइट इशू है तो 7 दिन, एक हफ्ता पहले बता देते हैं भैया हम लोग कहाँ हैं आप, और क्लियर वर्किंग डे है,
क्लियर मतलब 24 घंटा को बोलते हैं क्लियर, ओके। वर्किंग डे मतलब सैटरडे छोड़ दो, संडे छोड़ दो और पब्लिक हॉलीडे तो उसको छोड़ दो, और उसके बाद जो दिन आता है वो आ गया आपका क्लियर वर्किंग डे, ठीक है। क्लियर डे मतलब सिर्फ 24 घंटा खोलो। आज का दिन हो गया, आज का दिन अगर 12:01 पे भी सॉरी 1 बजे अगर रात के 1 बजे अगर मीटिंग कंक्लूड करते हैं तो आज का दिन पूरा ख़त्म, आज का दिन हम कंसिडर नहीं करेंगे, अगला दिन काउंट करेंगे। अब वैसे 12 बजे मीटिंग नहीं होता है, 1 बजे मीटिंग नहीं होता है, लेकिन अब अगला दिन काउंट करेंगे। आज का दिन 10 तारीख है, 10 तारीख छोड़ दो, अभी 11 जनवरी फर्स्ट डेट, 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी, ऐसे करके काउंट होगा। जिस दिन नोटिस दे रहे हैं उस दिन भी छोड़ दो, नोटिस जिस दिन दे रहे हैं उसको भी छोड़ दो। ये बीच का पूरा 24 घंटा वाले डे को बोलते हैं क्लियर डे। वर्किंग डे में सैटरडे संडे गायब कर देते हैं, जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज बंद रहता है उस दिन को गायब कर देंगे। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी आप नहीं छोड़ सकते हो। वोटिंग रिजल्ट, अरे भाई कोई भी ईजीएम कर रहे हो ना, वोटिंग रिजल्ट तो आएगा 48 घंटे के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ता है 48 घंटे के अंदर। नाम अगर कभी बदल रहे हो तो सबसे पहले इनसे पूछना होगा, फिर ही नाम बदल सकते हो, ऐसे नहीं बदल सकते हो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर हमने एक्सेप्शन पढ़ा था, याद करो एक्सेप्शन, अगर याद आ रहा है तो आगे बढ़ जाओ। 10, 25 और SME या फिर IBC वाले तो 10 कौन से थे, 10 पेड अप शेयर कैपिटल, 25 कौन क्या था नेटवर्थ, और SME वाले हैं तो कोई बात नहीं भाई, अगर आप IBC वाले हैं तो भी चलेगा, छोड़ो कहीं भी होगा। नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, बोर्ड का कंपोजिशन अगर आपके दिमाग में नहीं आया ये वाला पॉइंट, एक बार आप रीड जरूर कर लो, हम बोलते हैं एक बार प्लीज़ रीड कर लो, ठीक है, क्योंकि आप भूल जाओगे। चेयरमैन कब एग्जीक्यूटिव हो रहा है तो क्या हो रहा है, नॉन एग्जीक्यूटिव हो रहा है तो क्या हो रहा है, अगर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है तो 50% को लेके आ जाओ, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन तो 1/3 को लेके आ जाओ, खत्म बात। मीटिंग ऑफ बोर्ड कितनी बार मिलना है, एकदम 71-73 पूरा का पूरा बोर्ड मीटिंग का सेक्शन याद कर लेना है, दैट इज़ हमको साल में 4 बार मिलना है और 120 दिन का गैप होना चाहिए कम से कम, सॉरी मिनिमम, उससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोरम क्या होना चाहिए, कोरम नॉर्मल था लेकिन टॉप बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रखना ज़रूरी था, कि कंप्लायंस के अंदर क्या था भाई, कि हम सब कुछ कंप्लायंस वगैरह करेंगे। चलो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अब 7 और 3 का लिमिट आ चुका है, अब कैसे आ चुका है इसके लिए अब टाइम नहीं है बताने का। ऑडिट कमेटी, कौन कौन सी कमेटियाँ मैंडेटरी, ये चारों कमेटी, ऑडिट कमेटी हो गया, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, NRC कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, इसका कंपोजिशन आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे भी 3, 3, 3, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला था, यहाँ पे कंपनी के लोग होते हैं, यहाँ पे सारे ID हो सकते हैं, अगर सुपीरियर बोर्ड वाले तो सारे ID, अदरवाइज ID रखो यहाँ पे। NRC कमेटी के अंदर क्या था, यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रखना पड़ता है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए यहाँ पे, याद आ रहा है कुछ, इनको साल भर इनका इनके ऊपर नॉर्मल जो हम लोग का दो डायरेक्टर कोरम क्या था, दो डायरेक्टर, दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए कोरम के अंदर, मैंडेटरी है, एंड इसके साथ साथ 2 और 1/3 इतना, ये जो आता है इसको बोलते हैं ऑडिट कमेटी का कोरम, 2 ID होना चाहिए मैंडेटरी है, और इन लोगों का क्या है कोरम का कोई ये नहीं था, कोई चाप नहीं था, ऑल डायरेक्टर शुड बी प्रेजेंट, एंड इसके अंदर क्या था इनको साल में एक बार मिलना होता है NRC या फिर रिस्क मैनेजमेंट या फिर ये स्टेक होल्डर रिलेशन, इनको साल में एक बार मिलना होता है, लेकिन ऑडिट कमेटी को साल में 4 बार मिलना होता है, एकदम सिमिलर बोर्ड मीटिंग के जैसा ही मिलना होता है, कोई अंतर नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, विजिल मैकेनिज्म के बारे में बताता है, विक्टिमाइजेशन ना हो सके इसलिए विजिल मैकेनिज्म रखते हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का पार्ट 5 वाला वीडियो था हमारा, वैसे आप इसको कभी नहीं छोड़ सकते, रिलेटेड पार्टी के अंदर रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन हमने देखा था और आप डेफिनेशन को भूल नहीं सकते हो, एक बार जल्दी से सोच लो क्या क्या डेफिनेशन था भाई रिलेटेड पार्टी, डायरेक्टर तो कभी नहीं, डायरेक्टर उसका रिलेटिव, KMP उसका रिलेटिव, ठीक है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो यहाँ पे डायरेक्टर वहाँ डायरेक्टर या मेंबर, पब्लिक कंपनी है यहाँ डायरेक्टर वहाँ रिलेटिव के साथ 2% होल्ड करते हैं तो हमारा एसोसिएट जो हमारा होल्डिंग है सब्सिडरी ये लोग भी फंसेगा, याद आ रहा है कुछ। कब हम लोग ट्रांजेक्शन को मटेरियल मानेंगे, जब भी आप 10% एनुअल कंसोलिडेटेड वर्ड आप मत खाना वरना वो आपका मार्क्स खाएगा। अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी, अब ऑडिट कमेटी के अंदर ऑमनीबस अप्रूवल है या फिर नॉर्मल अप्रूवल है, ऑमनीबस अप्रूवल का क्राइटेरिया क्या क्या था एक बार सोच लो, एक्सेप्शंस भी था, शेयर होल्डर का अप्रूवल ले लोगे तो उसका एक्सेप्शंस भी था, यहाँ पे 2 टाइप का एक्सेप्शन, गवर्नमेंट कंपनी और होल्ली ऑन सब्सिडरी जिसका बुक्स जो है ना कंसोलिडेट होता है, ये वाला पॉइंट था, ठीक है। इसके बाद आता है ये वाला, इन लोग का ये वैसे क्वेश्चन देने के नहीं चाहिए बट अगर एग्जाम में पेपर खराब करने का उनका बहुत ज़्यादा मन करेगा तो ये क्वेश्चन देंगे, एकदम नेग्लेक्टेड क्वेश्चन है जो कि वो दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते। तो इसमें हम लोग कॉमन सी बात सोचेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज को कब कब इंटीमेट करना होता है, जब भी हमारा ड्यू डेट वगैरह आता है तो बता देते हैं हम लोग, ठीक है। हाफ ईयरली हम लोग एक इन्फॉर्मेशन देंगे, एक एनुअल इन्फॉर्मेशन देंगे ही उनको, है ना, एसेट कवर डिस्क्लोज करेंगे कि एसेट सारा बचा हुआ है, रेटिंग बताएंगे और एक एनुअल रिपोर्ट देंगे, इतना तो कम से कम याद रख सकते हो ना, इतना तो कॉमन इंसान अगर नॉर्मल बुद्धि है तो याद रहेगा ही। कौन कौन से पॉलिसीज आते हैं, आप देखो डॉक्यूमेंट प्रिजर्व करने की पॉलिसी हो सकती है, पॉलिसी फॉर डिटरमाइन मटेरियल सब्सिडरी मटेरियलिटी डिसाइड करने की, कोड ऑफ कंडक्ट हो गया,
डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी जो भी है, ये सारी पॉलिसी आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है लाइबिलिटी ऑफ, लाइबिलिटी क्या क्या होगा, फाइन लगेगा, ट्रेडिंग सस्पेंड होगा, ये वाला आप डायरेक्ट 3 मार्क्स के लिए पूछ देंगे, एकदम छोड़ नहीं सकते, एक बार दिमाग में, एक बार पढ़ा होगा दिमाग में रहेगा, ठीक है। सीएस का रोल, दोनों में क्या क्या रोल होता है, नॉर्मल तो रोल हम लोग को पता है, कंप्लायंस कराना, स्टॉक एक्सचेंज के साथ हम लोग को कोऑर्डिनेट करते हुए रहेंगे, कोऑर्डिनेट का किया जाएगा, ठीक है, जो भी देंगे हम लोग करेक्ट देंगे, सॉरी ये क्या हो गया, कंप्लायंस करेंगे, स्प्रिट में कंप्लायंस करवाना है, ठीक है। पीसीएस के लिए क्या है, वो शेयर ट्रांसफ़र को देखेगा, शेयर ट्रांसफर जिनके साथ जुड़ गई है, सब कुछ कंप्लाई हो रहा है रेगुलेशन के हिसाब से हो रहा है कि नहीं, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह को देख लेगा, सब कुछ ठीक है, एसेट 100% कवर है कि नहीं, सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट MR3 वो जो हम लोग बताए वो देखेगा, वो ठीक से देगा सही सही, ठीक है। डायरेक्टर सारा कोई डिस्क्वालीफाई नहीं है, ये वाला बात भी वही बताएगा। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर को मैंने, आई डोंट नो कितना, 5-7 मिनट जो भी हुआ होगा, इसमें हमने पूरा का पूरा चैप्टर को कवर किया है, सिर्फ और सिर्फ मैंने हेडिंग बताया, अंदर का कुछ भी मैंने डिस्कस नहीं किया, कुछ भी अंदर का कोई टेक्निकल पॉइंट को मैंने नहीं बताया। रीज़न था कि इसके पहले 35 मिनट का वीडियो बना हुआ है, उसके अंदर जाओ देखो, 35 मिनट के अंदर आपको सारा का सारा टेक्निकल पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर उसमें भी कुछ पॉइंट आपका कन्फ्यूजन रहता है तो पार्ट वाइज पार्ट जो अब 35 मिनट के वीडियो में ना आपको दिख जाएगा कि इस वाला पोर्शन में ये वाला जो वीडियो है ये वाला वीडियो नंबर 4 में या 5 में है, तो आप उसी वीडियो में जाओगे, उस वीडियो में फास्ट फास्ट करके वहाँ पे जाओ और एक बार देख लो, काम हो जाएगा। अगर उस वीडियो में बाई मिस्टेक नहीं रहा, हो सकता है ना एक दो पॉइंट छूट जाए, अगर छूट गया नहीं रहा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर जिंदाबाद, आप मेरे को व्हाट्सअप करो, हम आपको इमीडिएट इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, ठीक है, कोई पैनिक का जरूरत नहीं है। अब ये, अब जाके ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया फॉर योर एग्जाम पर्पस। अब एग्जाम से अलावा, एग्जाम के आगे और आपको जानना है तो उसके लिए अलग वीडियो है, वो आप अलग देखना। आज के लिए बस इतना ही, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, चलिए बाय।